अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, इस वीडियो में आज हम आपको हिंदुस्तान के वलियों के शहंशाह ख्वाजा गरीब नवाज़ मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्ला अलैह का एक वाक्या सुनाएंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि वो अपने मुरीदों से किस तरीके से बात किया करते थे और किस तरीके से उनको समझाते थे और कैसे उनकी तरबियत फरमाते थे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल नूरानी खबरों पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए हुए घंटी वाले निशान को दबा दें, ताकि आने वाली नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने जानने और मिलने वालों को इसे शेयर करना ना भूलें। आप अपने सुझाव और शिकायत हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। नाज़रीन, जब ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्ला अलैह ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्ला अलैह को दिल्ली की खिलाफत बख्शी तो उन्होंने किस तरीके से कहा, ज़रा गौर से सुनिए। ख्वाजा साहब ने चार बातों का दर्श उन्हें समझाया कि अगर फ़कीरी करनी है तो इन चार बातों का ध्यान ज़रूर रखना। नंबर एक, फ़कीरी इस तरीके से करना कि फ़कीरी के साथ फ़क्र मालूम हो, मतलब कि अपनी फ़कीरे पर फ़क्र होना चाहिए। जैसे लोगों को बादशाहत पर फ़क्र होता है, वैसे ही तुम्हें अपनी फ़कीरी पर फ़क्र होना चाहिए, यानी फ़क्र के साथ फ़कीरी। नंबर दो, जब कोई आपके दरवाज़े पर आए तो वो खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहिए। अगर कोई भूखा आता है तो उसे खाना मिलना चाहिए, कोई प्यासा आता है तो उसे पानी मिलना चाहिए, किसी के पास कपड़े नहीं हैं तो उसे खैरात मिलनी चाहिए, अगर कोई इल्म का भूखा हो तो उसे कुरान और हदीस की रोशनी में इल्म मिलना चाहिए, और अगर कोई दर्द लेकर आए तो उसके साथ आपके भी आंसू होने चाहिए और वो आंसू सामने वाले को नज़र आने चाहिए। कितनी बड़ी बात है, सुभान अल्लाह। हर एक को हर शहर देकर भेजना, कोई खाली ना जाए। नंबर तीन, एक कुतुबुद्दीन जब खुशी होती है तो सबके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, हंसी होती है, लेकिन जब अल्लाह इम्तिहान में डालें, किसी परेशानी में डालें, उस वक्त सबसे ज़रूरी है कि आपके चेहरे पर खुशी होनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपको आजमाइश में डाला है। इस वक्त इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जब अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश आए तो उसको तोहफा समझना और खुशी के साथ कबूल करना। नंबर चार, कभी किसी से दुश्मनी नहीं पालना। अगर कोई दुश्मनी भी करे तो उसका जवाब प्यार और मोहब्बत से देना, दोस्ती में देना, क्योंकि दुश्मनी दिलों में नफरत पैदा करती है और अल्लाह दोस्ती में मोहब्बत की खुशबू डाल देते हैं, इसलिए हमेशा इस खुशबू को फैलाते रहना चाहिए। नाज़रीन, ऐसी तरबियत फरमाते थे हमारे ख्वाजा गरीब नवाज़ अपने मुरीदों की। ऐसे ही ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी फरमाते हैं कि जब मैं ख्वाजा गरीब नवाज़ से मिला तो मैं बड़ा खूबसूरत था, नौजवान था, तो जहां भी जाता सब मिलते, बहुत इज्जत करते थे, सारा दिन ऐसे ही इधर उधर घूमने में गुजरता था। लेकिन जब मैं ख्वाजा गरीब नवाज़ के पास गया और अर्ज़ किया कि हुजूर मुझे मुरीद कर लें, देखिए क्या तरबियत थी। उन्होंने फरमाया, जहां पहले से ही इतने लोग मौजूद हों तो वहां पर मोइनुद्दीन का क्या काम। उन्होंने कहा, जहां पहले ही इतने लोग बसा रखे हैं वहां मैं कैसे आऊँगा। ख्वाजा साहब ने कहा, पहले इनको तो निकाल। इतना सुनना था कि ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी ख्वाजा गरीब नवाज़ के कदमों में बैठ गए और कहा, जनाब अब सारा ज़माना एक तरफ और आप एक तरफ, सारा ज़माना मेरे पीछे भागता है, अगर किसी के पीछे मैं भागा हूँ तो आप मुझे बताएं, मैं तो सिर्फ आप ही के पीछे भागा हूँ, आप मुझे अपना मुरीद रख लें। ख्वाजा गरीब नवाज़ ने तभी उन्हें बैत कर लिया और जब वो बाहर निकले तो एक शख्स ने कहा, हे ख्वाजा साहब, मैं इस शख्स को जानता हूँ। ख्वाजा साहब ने कहा, आप ज़रूर जानते होंगे, लेकिन मेरा बनने से पहले जानते होंगे, अब जानना है तो बाहर जाकर देखो क्या फ़र्क है पहले में और अब में। जब ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्ला अलैह बाहर निकले तो उन लोगों ने पहले की तरह उनसे मुलाकात की।
इधर उधर चलने की फरमाइश करने लगे, जैसा कि अक्सर पहले किया करते थे। लेकिन आपने कहा, अब तो सिर्फ दो ही रास्ते याद हैं, घर से अपने शेख के यहाँ आने का और दूसरा यहाँ से वापस घर जाने का, और इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं जानना। इस पर उनके पुराने मिलने वालों ने कहा कि आज तो बाबा ने कोई बड़ा जुमला दे दिया है जो ऐसी बात कर रहे हो, और कहने लगे कि फला बड़ा आदमी बुला रहा है, चलो चलते हैं। इस पर ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी ने फरमाया, अब तो जन्नत की हूर बुलाए तो भी नहीं जाना, मुझे गरीब नवाज से फैज लेना है। अब तो मैंने सिर्फ एक दर देख लिया है और एक ही दर पर रहना है। इस तरीके की तरबियत फरमाते थे मेरे ख्वाजा गरीब नवाज। ख्वाजा गरीब नवाज ने इतनी इबादतें की थी जिनका हिसाब लगाना भी मुश्किल है। लेकिन जब आखिरी वक्त नज़दीक आया तो उन्होंने अपने चाहने वालों को बुलाया और कहा कि मेरे लिए दुआ करो। तो आने वालों ने फरमाया कि हमने आपको हमेशा इबादत करते देखा है, आज तक बिना वजू के आपको नहीं देखा, हमेशा दूसरों की खिदमत करते देखा, हमेशा दूसरों के लिए ही फिक्रबंद देखा। हुजूर, हमने ज़िंदगी भर आपको सजदे में ही देखा, तबलीग में देखा, हमने हमेशा आपको दूसरों का ही सोचते देखा, आपने अपने लिए तो कभी सोचा ही नहीं, आपने तो हमेशा दूसरों की मदद की है, फिर आप हमें दुआ के लिए क्यों कह रहे हैं? मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, नहीं, दुआ ज़रूर करना, क्योंकि जिस रब के सामने हाजिर होना है उसके सामने जब आपने अमल की गठरी लेकर हाजिर होऊंगा तो वो ये ना कह दे कि अमल तो बहुत किए हैं पर मेरे लायक कोई है तो बता कि कौन सा अमल है। ये है अल्लाह का खौफ। इतने बड़े वली होने के बाद भी अल्लाह का इतना खौफ, अल्लाहु अकबर। ऐसे थे हमारे ख्वाजा गरीब नवाज। नाज़रीन, हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें और आपको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की ज़ियारत नसीब अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।